जब एक मुस्लिम व्यक्ति गया केदारनाथ की यात्रा पर, उसके साथ वहां जो भी हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जात पात का भेद तो हम इंसान करते हैं, पर क्या आपको पता है कि महादेव के लिए तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक बराबर हैं। और आज हम आपको लखनऊ के एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ी कहानी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। व्यक्ति महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और महादेव के लिए उसके मन में इतनी आस्था थी कि उसने अपने पूरे घर से छुपकर अपने कमरे में महादेव की तस्वीर लगा रखी थी और हर रोज वो उनकी पूजा करता था। व्यक्ति को कैंसर था और उसकी आखिरी इच्छा थी कि बस वो मरने से पहले एक बार केदारनाथ जा पाए। व्यक्ति ने अपनी बीमारी को कई बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, परंतु सब ने उसे बोला कि उसका बच पाना मुश्किल है। अगले 6 महीने शायद उसके जीवन के आखिरी 6 महीने हो सकते हैं और मरने से पहले व्यक्ति सिर्फ एक बार केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहता था। परंतु अगर वो अपने घर और दोस्तों में से किसी को ये बात बताता तो वो लोग उसे बहुत ज्यादा गलत समझते और उसे शायद ऐसा कुछ भी नहीं करने देते। आदमी के मन में महादेव के लिए श्रद्धा बचपन से ही थी। जब वो छोटा था तो उसके माता पिता ने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, फिर उसे एक मुस्लिम परिवार ने गोद ले लिया था। जब वो अनाथ आश्रम में था तब वो हर रोज महादेव की पूजा करता था और उसकी ये आदत और महादेव के प्रति विश्वास दिन ब दिन बढ़ते ही गए। 30 साल के एक मुस्लिम परिवार के साथ रहने पर भी कम नहीं हुआ। एक दिन वो अपने परिवार से झूठ बोलता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है और वो 4-5 दिन बाद आएगा। वो झूठ बोलकर महादेव की यात्रा के लिए निकल जाता है। केदारनाथ पहुंचता है, उसको केदारनाथ देखने से ऐसा लगता है मानो वो स्वयं महादेव से ही मिलने जा रहा हो। वो बीमार होने के बाद भी पैदल पूरा केदारनाथ की चढ़ाई करता है। उसे अचानक से खून की उल्टियां होने लगती हैं। लोग उसे खून की उल्टी करता देख उसे संभालने के लिए आ जाते हैं, उसके पास भीड़ लगा लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। व्यक्ति बोलता है हाँ, और पानी पीकर उठने लगता है और कोई आदमी उसके पास आला की चैन देख लेता है और सब उससे पूछते हैं कि क्या वो मुस्लिम है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। व्यक्ति बोलता है कि हिंदू हो या मुस्लिम, महादेव तो सबके हैं, तुम लोग मुझे मेरे महादेव से दूर नहीं कर सकते। जैसे ही उसने मेरे महादेव को बोला, लोग उसे जोर जोर से मारने लगे कि महादेव उसके नहीं हो सकते, वो मुस्लिम है, महादेव सिर्फ हमारे हैं। व्यक्ति उसी समय लोगों की मार खाते हुए महादेव को याद करने लग जाता है। वो महादेव से मदद की गुहार लगाने लगता है। अचानक से बहुत तेज तेज आंधी तूफान और बारिश आने लगते हैं। जो लोग उसे पीट रहे थे वो भारी बारिश होने की वजह से भाग जाते हैं। लोगों के बहुत पीटने की वजह से व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई थी कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। फिर वो बहुत बारिश में भी लंगड़ा लंगड़ा कर केदारनाथ के दर्शन करने जाता है और केदारनाथ को धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे आज उनके दर्शन करने का अवसर दिया। वो गिरने लगता है और दर्शन करते करते बेहोश हो जाता है। उसे एक आदमी बचा लेता है और उसे पानी देता है और उसे मंदिर में ही एक कोने में बैठाता है। मुस्लिम व्यक्ति उस आदमी को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। आदमी मुस्लिम व्यक्ति के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसके साथ है, और ये बोलकर पता नहीं कहाँ निकल जाता है। मुस्लिम व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अपने घर चला जाता है और जब अपने डॉक्टर से फिर से खुद की जाँच कराता है, उसके डॉक्टर बोलते हैं कि अभी भी उसके बचने की पूरी उम्मीद है। आज ही उन्होंने फॉरेन में उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर ने बोला है कि अभी भी तुम्हारे बचने के 50% चांसेस हैं। कुछ दिन बाद वो अपना ऑपरेशन कराता है और 1-2 साल में वो फिर से स्वस्थ हो जाता है और उसे सब समझ आ जाता है कि केदारनाथ से लेकर अभी तक स्वयं महादेव ने उसकी मदद की और ये महादेव का ही चमत्कार है और उसकी श्रद्धा महादेव के लिए और बढ़ जाती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।